भारत के वैश्विक एनर्जी व पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेरावे ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति उनके प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। पीएम मोदी को यह पुरस्कार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिया गया। पुरस्कार पाने के बाद पीएम ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि मैं बहुत विनम्रता के साथ सेराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार को स्वीकार करता हूं। मैं यह पुरस्कार अपनी मातृभूमि की महान परंपरा को समर्पित करता हूं, जिसने पर्यावरण को हमेशा राह दिखाया है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सदियों से भारतीय पर्यावरण संरक्षण के मामले में लीडर का काम करते आ रहे हैं। भारत की संस्कृति व प्रकृति एक दूसरे से बहुत ही गहरी तरीके से जुड़ी हुई है। महात्मा गांधी को दुनिया का एक महान पर्यावरण संरक्षक बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर मानवता ने गांधी के पर्यावरण के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ी होती तो आज हमारे समक्ष जितनी समस्याएं हैं उतनी नहीं होती। आइए हम आपको बताते हैं कि यह पुरस्कार कौन सी संस्था देती है और इसका कितना महत्व है। यह पुरस्कार कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक यानी सेराविक के द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। पीएम मोदी को यह पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया। गौरतलब है कि इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इसे हर साल मार्च के महीने में अमेरिका के ह्यूस्टन में सेराविक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे आगे रहने वाले ऊर्जा मंचों में की जाती है। यह पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता को पहचानता है और ऊर्जा की पहुँच सामर्थ्य पर्यावरण नेतृत्व के लिए समाधान और नीतियों की पेशकश करता है। इस कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केट के वाइस चेयरमैन और कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डेनियल येरगिन ने कहा कि देश और दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के नेतृत्व में किए जा रहे लगातार प्रयास के लिए प्रधानमंत्री मोदी को यह अवार्ड से सम्मानित करने को लेकर बहुत खुशी हो रही है। इस एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एनर्जी इंडस्ट्रीज के लीडर, दुनिया भर के पॉलिसीज मेकर, टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लीडर, वित्तीय औद्योगिक संस्थाएं और एनर्जी टेक्नोलॉजी के इनोवेटर्स का समूह शामिल होते हैं। आपको बता दें कि इस बार के सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति प्रतिनिधि जॉन कैरी, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को फाउंडर और ब्रेक थ्रू एनर्जी के फाउंडर बिल गेट्स और सऊदी आरामको के CEO अमीर नासिर भी शामिल हुए।